चटनी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी जार में धनिया पत्ते लिए हैं थोड़े से, 7 से 8 हरी मिर्च लिए, 4 से 6 लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा अदरक और 2 टमाटर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे। नींबू डालने से एक तो चटनी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा जो हमारी चटनी है वो ख़राब नहीं होती है। फरे या देसी मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चने की दाल ली हुई है। ये दाल मैंने रात भर सोक करके रखी हुई थी और मैंने यहाँ पर लहसुन लिया हुआ है और हरी मिर्च, इन सभी को अभी हमें ग्राइंड करना है। तो हम पहले मिक्सी जार में दाल डालेंगे, इसके साथ ही हरी मिर्च, लहसुन, लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अदरक। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स पीस लेते हैं। दाल पिस गई है और आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं किया है, मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है, हमें बिल्कुल इसी तरीके की दाल चाहिए थी। एक परात में आटा लिया हुआ है और इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। देखिए मैंने ये जैसे रोटी का आटा लगाते हैं मैंने उस तरीके का आटा लगा लिया है। तो चलिए फरे बनाना स्टार्ट करते हैं। और पैन में मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख, इस उबलते पानी में मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। फरे बनाने के लिए मैंने ये छोटी सी बिल्कुल लोई ली हुई है आटे की और इसको हम गोल गोल छोटा सा बना लेंगे और ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं रखना है ये। अब हम इसके अंदर ये जो दाल की स्टफिंग मैंने बनाई थी वो रखेंगे और इसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी रखेंगे और इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। बस इसको इतना अच्छे से प्रेस कर देना है कि ये जब हम पानी में बॉईल करेंगे तो ये खुल ना जाए। अब हम इसी तरीके से अपने और बाकी के फले बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सारे फले बना के रख लिए हैं और इधर हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हम एक एक करके ये फले अपने पानी में डालेंगे, ठीक है, और हमें इनको बॉईल करना है। इनको हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये अपने आप ऊपर ना आ जाए। देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब है अब ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके निकालेंगे। एक एक बड़ी चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें राई के दाने डालेंगे और इसके साथ ही कड़ी पत्ता। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे फरे कट करके रखे हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स सभी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेटिंग करेंगे।